नमस्ते, मेरा नाम विष्णु और आप देख रहे हैं हमारी वीडियो यानी आओ देखे जाने की वीडियो। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड या फिर लाइम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। Ca से होता है कैल्शियम, O से होता है ऑक्सो, Cl2 से होता है क्लोराइड। अब इसे यूज कहाँ किया जाता है? इसको रंग उड़ाने में यूज किया जाता है। यह एक रंग उड़ाने वाला पदार्थ क्लोरीन पाया जाता है, इसलिए इसे हिंदी में विरंजन चूर्ण भी कहते हैं। इसका प्रयोग कागज उद्योग में, कपड़ा उद्योग में बहुत किया जाता है, क्योंकि धागों का रंग उड़ाना होता है, जिससे ये आसानी से रंग उड़ा देता है और उस उड़े हुए रंग, मतलब कि एकदम नॉर्मल वाइट कलर के रंग पे कोई भी रंग हम एक्स्ट्रा चढ़ा सकते हैं। पेपर उद्योग में कैसे यूज किया जाता है? पेपर उद्योग में आप जानते होंगे कि पेड़ की लुगदियों से पेपर बनाए जाते हैं, तो अलग अलग कलर के लुगदियाँ होती हैं, तो इसे यूज करने से पेपर जो होता है वो प्योर वाइट हो जाता है और इस पर हम आसानी से वो पेपर का कलर बना सकते हैं, जिससे हम किसी भी पेन से या किसी भी वाइट छोड़ करके किसी भी पेन से लिख सकते हैं, जिससे उस पर कलर आ जाता है। अब जैसे ये कपड़ा है, वाइट है, तो वाइट पे कोई भी रंग चढ़ा देंगे चढ़ जाएगा, बट यही ग्रीन होता तो ग्रीन नहीं चढ़ पाता है। तो इस तरह के रंग उड़ाने में यूज किए जाते हैं क्लोराइड, मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर, जिसको क्लोरीन भी कहा जाता है। हिंदी में इसका नाम विरंजन चूर्ण भी है। रासायनिक नाम इसका जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, इसको हम लाइम क्लोराइड भी बोल सकते हैं या फिर कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड बोल सकते हैं। कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड बोलने से आपको ये अच्छा हो जाएगा कि आपको फार्मूला बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, CaOCl2। Ca से होता है कैल्शियम, O से होता है ऑक्सो और Cl2 से होता है क्लोराइड। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।